जी हाँ जी बोलिए। हाँ समीर भाई यार, वो अभी आपका वीडियो देख रहा था ना यूट्यूब में रेरा के संबंध में। हाँ तो यार थोड़ा हमको प्रोसेस, अभी हमने की शुरुआत की, अभी फौजी आदमी हूँ मैं और हम लोग क्या अभी शुरुआत किए हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं हम लोग। तो रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं, क्षेत्र में प्लॉटिंग वगैरह का जो काम करना चाह रहे हैं आगे, तो उसके लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, थोड़ा जानकारी मिल जाएगी। और इसका क्या प्रोसेस रहेगा अपने पास, अभी जैसे इसमें बताया था आपने कि जीएसटी वगैरह ये भी नहीं है अपने पास अभी। ठीक है मैं बताता हूँ। आप रेरा का आप आपकी प्रॉपर्टी है या आप एजेंट का काम करना चाहते हो, पहले ये बताओ। अपन एजेंट का काम करना चाहते हैं, जैसे दूसरे की जमीन लेके, जैसे प्लाट आप पटौनी जो कर करते हैं ना, जैसे उसमें प्लॉटिंग हम लोग काट रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग 10 एकड़ जमीन लेके उसमें हम लोग 5-10 आदमी है, हम लोग मिलकर उसमें प्लॉटिंग काटना चाहते हैं हम। ठीक है, तो और आप कौन से स्टेट से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से, तो अप्रोक्सीमेटली हर एक स्टेट में, किसी स्टेट में 11,000 है, जैसे महाराष्ट्र में 10,000 रुपए प्लस जीएसटी है, दिल्ली में, हरियाणा में 20,000 है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी फीस है रेरा की वो मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन 10,000 से 20,000 के बीच होगी जो भी होगी। जी सर, अभी पहले क्या था 20,000 था, अभी ना सरकार गवर्नमेंट ने उसको कम किया था थोड़ा। हाँ, तो वो जो भी रकम होगा वो चेक करके आपको बता देंगे। अब दूसरी चीज ऐसी है कि रेरा के अंदर जो है वो ऐसा चाहिए कि हम लोग एजेंट बनते हैं। हाँ बता रहा हूँ, एजेंट बनने अच्छा ये ऐसा कि आपके पास में 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग उसका इंतजाम करवा के दे देंगे आप 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न का। उसका 1 साल का 1500 रुपया खर्चा होगा, तो 3 साल का 4,500 रुपये खर्चा होता है। ठीक है, और जो सरकारी फीस जो भी होगी रेरा की, समझो 15,000 है, ठीक है, तो वो देना होगा। उसके बाद में आपका लेटर हेड बनाना पड़ेगा, आपका जो ये रसीद का फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे और पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो रेरा का सरकारी फीस के ऊपर हम लोग 2,000 रुपए लेंगे, मतलब अगर 10,000 है तो 12 लेंगे, ठीक है, 15 है तो 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो इनकम टैक्स का है उसका 3 साल का 4,500 रुपए लेंगे, तो 1500 रुपए सालाना के हिसाब से इनकम टैक्स का। हाँ, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जो बनेगा ना वो आप फ्यूचर में कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो, लोन लेने या कोई और चीज के लिए, जो भी आपको लगेगा। तो इस तरीके से ये आपको मिलेगा। अब कितनी सरकारी फीस है वो मैं आपको चेक करके कुछ टाइम में बता दूंगा, और क्या क्या पेपर लगते रेरा के लिए वो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, और आपको मैं व्हाट्सएप भी करूंगा पेपर लगते, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फोटो, आपका बैंक पासबुक का कॉपी, बस। अच्छा समीर भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे इसमें जो रेरा का होता है सिंगल एक ही व्यक्ति का होता है, एक कंपनी हमने जैसे बना रखी, हम लोग 5 आदमी की कंपनी है, अगर तो जैसे बताता हूँ, समझ गया, अगर आप कंपनी बनाते हो या पार्टनरशिप बनाते हो, ठीक है, तो उसमें जैसे महाराष्ट्र में कैसा है, 10,000 रुपए 1 साल का है, ठीक है, सिंगल, सुनो, 10-12,000 रुपए सिंगल पर्सन का है। हेलो, ठीक, ओके। हाँ आए, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नो प्रॉब्लम, महाराष्ट्र में कैसा है कि आप सिंगल पर्सन हो, सिंगल फर्म हो, तो 10,000 रुपए आपका 1 साल का लगेगा, लेकिन अगर आप कंपनी हो या पार्टनरशिप हो जिसमें ज्यादा लोग हैं, तो एक ये सॉरी 10,000 रुपए 1 साल का नहीं है, 10,000 रुपए 5 साल का वैलिडिटी है, ठीक है, तो आपका भी जो रहेगा वो 5 साल का रहेगा। तो अगर आप सिंगल हो, तो अगर आप सिंगल से ज्यादा हो तो 1,00,000 रुपया भरना होगा 5 साल का महाराष्ट्र में। मतलब आप फर्क देख रहे हो कितना फर्क है, 10 गुना बढ़ा दिया है। अब एमपी में कितना है वो चेक करके आपको बताएंगे, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि वो जो भी होगा 5 से 6 गुना के करीब होगा। तो अगर 20,000 एक साल का है तो 20,000 है अगर, तो उसकी जगह 1,00,000 तक होगा। अच्छा, तो समीर भाई, इसमें बेनिफिट सिंगल वाले लेने में फायदा रहता है कि हम लोग जो कंपनी बना के एक साथ बनाते हैं उसमें ज्यादा फायदा रहता है? फिलहाल तो खर्च के हिसाब से देखो तो सिंगल वाले में ही फायदा दिख रहा है ना।
अच्छा, मतलब जैसे हम लोग पार्टनर पांच आदमी काम कर रहे, तो जो वो प्लॉटिंग सेलिंग का काम एक आदमी, सुनो काम करो पांच लोग, हाँ ले लो पांच लोग काम करेंगे चलेगा, लेकिन सबके सामने मालिक आप हो। अच्छा, जिस व्यक्ति का नाम ले, आपको हमारे भाई के नाम से करवाना है वो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो बना नहीं सकता इसको शायद ना। नहीं नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो जरा भी नहीं बना सकता, वरना उसकी तो नौकरी भी चली जाएगी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो जाएगा उसके खिलाफ। हाँ वही वही बोल रहा हूँ, तो भाई के नाम से बनवाना आपने को। ठीक है जी जी, तो आप उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, आप हम लोग को दे दो फिर हम लोग करवा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसा भी रहेगा मैं भाई से बात कर लेता हूँ, समीर भाई, और फिर आपको हम लोग याद करेंगे ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी मेरे को इसका फीस बता देना, अभी कितना 10,800 चल रहा है कि 9,700 कितना चल रहा है जो बताना। महाराष्ट्र में 10,000 प्लस GST है, और MP में कितना है वो आपको चेक करके बताऊंगा, लेकिन जो भी रहेगा 10,000 से 15,000 के बीच ही रहेगा। जी 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 जी, बाकी जो GST जो बनाओगे आप, ये सॉरी GST ये 3 साल का जो रिटर्न के लिए फाइल करोगे आप, वो कितना कितने की करोगे तकरीबन? जो बिना टैक्स के रहती है वो हिसाब से, लेकिन वो करने से पहले वो फैसला मैं तब करूंगा जब आपके भाई के बैंक स्टेटमेंट देखूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद वो तय करेंगे। नहीं नहीं, बैंक स्टेटमेंट हम लोग क्या, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम चलता है, और हम लोग जो क्रेडिट कार्ड से केस करने वाला काम करते हैं तो उसका भी है, तो वो भी लग जाएगा क्या उसमें? हाँ वो भी, उसमें भी क्या टर्नओवर हुआ है वो सब दिखाना पड़ेगा। वो टर्नओवर तो उसमें तो करोड़ों में है यार, उसमें बहुत बड़ा टर्नओवर, जैसे कोई 1 लाख केस करवा रहा है, कोई 2 लाख करवा रहा है, ऐसे एक बार देखना पड़ेगा। 2 साल का मिलेगा वो अपने पास, 2 साल का, 3 साल का वो भी नहीं। हाँ तो एक बार बैंक स्टेटमेंट देखेंगे फिर वो आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई उसको इसमें लाएंगे तो उसका क्या है, वो जीए भी बना हुआ अपना, क्या बोलते हैं क्या ये अपन GST नंबर वगैरह जो बना के रखते हैं ना कंपनी का, वो भी बना रखे हम लोग ऐसे तो। अच्छी बात है, वो दिखा देना, मैं देख के फिर बताता हूँ। इसमें काम दे देंगे ये वाला भी इसमें। वो क्या नाम से है GST? वो GK एंटरप्राइज के नाम से हमने बनाया था कंपनी, काम आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसमें ऐसा तो नहीं इसके, इसमें दोनों का लफड़ा बैठे रही, क्योंकि उसमें टर्नओवर अलग होता है इसका अलग हुआ। पहले आपके पेपर्स देखूंगा फिर वो बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ना थोड़ा क्या है कुलदीप को उसका जानकारी भी थोड़ा ज्यादा है, तो मैं आप उनको बोलना मेरे को बता दूंगा इसका कितना खर्चे है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? जी जी जी, चलो मैं शेयर कर लेता हूँ ना। हाँ ओके, नमस्कार। ठीक, मेरा गुलाब सिंह ठाकुर के नाम से सेव कर लेना आप ना। ठीक ठीक ओके।